तमाम समाजसेवी संगठनों के सहयोग समर्थन विपक्ष का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन होने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल को आज 30 दिन बीत चुके हैं। 30 दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने हर जतन हर प्रयोग किया अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पूर्ण वेतनमान और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल एक महीने से जारी है। सब जगह आवाज पहुंच रही है, समाज सेवी संगठन भी आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, विपक्ष भी प्रतिदिन हड़ताल स्थल पर पहुंच रहा है, प्रबुद्ध वर्गों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अगर किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है तो वह है प्रदेश की सरकार, जो उनकी मांगों पर एक महीने बाद भी विचार नहीं कर पा रही है। कार्यकर्ताओं के संगठन के द्वारा जो लगातार हड़ताल की जा रही है, उसमें हम लोग शर्मा जी और हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर, क्योंकि ये लगातार जो है बहुत लंबी हड़ताल चल रही है और बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि महिला बाल विकास विभाग का जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी खुद संभाले हुए हैं और उनके विभाग के साथ में मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर हमारी मातृशक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी नवरात्र के पर्व में। आज नवरात्र का पर्व कितनी धूमधाम से लोग मना रहे हैं, नवरात्र मातृशक्ति की पूजन का पर्व है, उस पर्व में आज हमारी माताएं और बहनें यहाँ ज़मीन पर बैठकर इतनी धूप में लू में हड़ताल कर रही हैं और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ये बहुत अशोभनीय है। और निश्चित रूप से हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्दी भोपाल में इनके प्रतिनिधिमंडल से कमलनाथ जी मुलाकात करेंगे और प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएंगे। नकुलनाथ जी से भी चर्चा हुई है, वे भी दिल्ली में इस बात को वहाँ पर उठाकर और इनके पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे कि इनकी समस्या हल हो और इन बहनों के संघर्ष में हम सब पूरी तरह कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में साथ में हैं और जब भी आवश्यकता जैसी भी आवश्यकता होगी हम इनकी लड़ाई लड़ने के लिए सदैव हाजिर रहेंगे। और मैं सभी जनता जनार्दन से भी यही अनुरोध करता हूँ कि हमारी माताएँ बहनें जो आज यहाँ संघर्ष कर रही हैं उनके संघर्ष में साथ दीजिए। ये हमारे बच्चों का भविष्य का निर्माण करने वाली माताएं और बहनें हैं, आंगनवाड़ी से बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और यही असंतुष्ट रहेंगी तो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बनेगा। मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आप भी इस पर दबाव जरूर बनाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं की हड़ताल को आज 30 दिन बीत चुके हैं। नियमितकरण की मांग को लेकर, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक माह से आंदोलनरत हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं क्या पीड़ा झेल रही हैं, पंडाल स्तर पर बेहोश हो जा रही हैं। इनका हौसला बढ़ाने के लिए सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष के तमाम संगठन पदाधिकारी पहुँच रहे हैं। आज पहुँचे हैं हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना जी, आइए हम उनसे इस बारे में बात करते हैं। अमित सक्सेना जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, एक माह बीत चुका है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल को और आपके संगठन से प्रतिदिन कोई ना कोई आ रहा है और मतलब इनकी मांगें रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में जूझ ही रेंग रही है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की, ये तानाशाही सरकार है। ये केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मामला नहीं है, इस समय हर कर्मचारी वर्ग जो है आंदोलनरत हैं, लेकिन ये तानाशाही, इनको इतना अहंकार हो चुका है कि इनको लगता है कि ये कुछ भी करेंगे तो भी इनकी सरकार आती जाएगी, इनको सत्ता मिलती जाएगी, तो ये सत्ता में बैठने के सत्ता के मद में चूर हैं और हमारी बहनों की बात नहीं सुन रहे हैं नवरात्र के महीने में। और शिवराज सिंह जी ऐसे बहुत माताओं बहनों के सम्मान की बात करते हैं, अपनी बहन कहते हैं, भांजे भांजी कहते हैं, लेकिन किसी का भी ये ध्यान नहीं रख रहे, सिर्फ बयानबाजी में इनकी बात सुनिए। चलिए, अमित सक्सेना जी, ये बताएं, मतलब कहने से कांग्रेस से तो आ रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में, इस बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, मेरी इस मामले में कमलनाथ जी से भी चर्चा हुई है और माननीय हमारे सांसद नकुलनाथ जी से भी चर्चा हुई है और वो बहुत चिंतित हैं इस मामले को लेकर। और वो निश्चित रूप से, नकुलनाथ जी ने कहा कि मैं अभी दिल्ली में इनके बात को उठाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि समितियों की बैठक के माध्यम से और लोकसभा में वो अपनी बात को कैसे मंत्रियों तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ, नकुलनाथ जी इसका प्रयास कर रहे हैं। और कमलनाथ जी जो है वो अभी बहुत जल्दी इनके प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से उनकी चर्चा होने वाली है और वो सरकार पर दबाव बनाएंगे और जो आंदोलन करने की अनुमति इनको भोपाल में नहीं मिल रही है वो कमलनाथ जी उसके माध्यम से वो अनुमति मिलेगी और दबाव बना के कमलनाथ जी इसमें
सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी और इनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। हमारे साथ में बुलंद नारी शक्ति संगठन की जिला अध्यक्ष सविता ठाकुर जी, जो विगत दिवस हड़ताल स्थल पर बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गई थी, आज आपने सारी महिलाएं हम देख रहे हैं काली पट्टी बांधे हैं, क्या संदेश है? आज हम लोग 10 मार्च से निश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 30वां दिन है और स्वास्थ्य के बारे में जो आपने बोला बीपी लोग, वास्तव में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी को तो सामना उठा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे हौसले बुलंद हैं। और आज हम लोग जो काली पट्टी बांधे हुए हैं, कान में रुई लगाए हुए थे, उससे हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार, अभी तक हम तो ये सोचते थे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार जाग रही है लेकिन आज हमें ये अनुभव हुआ कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार अंधी भी है, बहरी भी है और लूली भी है। मध्य प्रदेश सरकार अंधी है, बहरी है, ये प्रतीकात्मक संदेश है काली पट्टी का। आप बताएं, लंबे समय से आपकी हड़ताल चल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप देख रहे हैं निरंतर, आप देख रहे हैं निरंतर कि आप लोगों का भी सहयोग हमें मिलते जा रहा है और निरंतर हमारी बात यहाँ से हमारी पंडाल से उठते जा रही है। और आए दिन कार्यकर्ता साई का भीषण गर्मी का सामना करते हुए हौसला अपना बनाए रखते हुए भी यहाँ पे पंडाल पे हाजिर है और किसी न किसी तरीके से CM साहब से अपनी बात मनवाने के लिए एकदम प्रयासरत है। हमारे साथ में असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बासुदेव शर्मा जी, जो हर प्रतिनिधियों के साथ में मतलब यहाँ पहुँच रहे हैं, आज भी कहने से वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित सक्सेना जी के साथ पहुँचे हैं, बताइए। ये लड़ाई बहुत लंबे दिनों बाद इतने लंबे समय तक चली, जब मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जो सरकारें इस समय चल रही हैं, इन सरकारों ने लोकतांत्रिक तरीके से कही जाने वाली बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। 2 साल तक किसान बैठे रहे नहीं सुने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 30 दिन से बैठे, ये जो मामला बहुत चिंताजनक है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है कि 30 दिन से कोई हड़ताल चल रही है और हमारी सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है। और हम सब लोगों की, क्योंकि यही सब चिंता का विषय है, इससे पहले भी हड़तालें होती थी, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस देश में रही है, कभी भी 2 दिन से 3 दिन से अधिक हड़ताल नहीं चली है। उस सरकार ने आंदोलन करने वालों के साथ बातचीत की और बातचीत करने के बाद कोई रास्ता निकाला है, लेकिन आज महीनों सालों हड़तालें चलती हैं, सरकार सुनती नहीं है। हम सब लोगों की जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं उनके लिए चिंता का विषय यही है, अगर सरकारें हमारी नहीं सुनेंगी, हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगी तो हमारा निदान कैसे होगा? लोगों की जो पीड़ा है वो फिर अपनी पीड़ा किसको सुनाएंगी? और यही देश के सामने सबसे चिंता का विषय भी और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। बिल्कुल, मैंने बार हड़ताल चलना मतलब दुखदायी स्थिति होती है, महिलाओं के साथ में प्रतिनिधियों को भी इस बात की चिंता है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? लगातार 30 दिनों से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी माता रानी की कृपा है, 3-4 दिन से इतना टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन माता रानी की कृपा है कि 2 दिन से मौसम ने हमारा साथ दिया। हमारी बहन बहुत यदि धूप भी तपे, हमारी बहने का कहना है कि यदि ज़्यादा धूप भी तपे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, सकारात्मक सोच के साथ में सरकार साथ नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन माँ भगवती नवरात्रि चल रही है, उनका आशीर्वाद लेकर आप हड़ताल पर बैठी हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, आज 30 दिन होता है, आज नवरात्रि का सप्तमी है और सप्तमी के दिन कालरात्रि का दिन होता है, तो कालरात्रि माता के द्वारा ही हम उनको ये काली पट्टी बांधकर संदेश दे रहे हैं कि अब समझ जाइए, क्योंकि इसके आगे क्या होगा वो तो ना हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं, तो जितना हो सके जल्दी शीघ्र से शीघ्र। बिल्कुल, महिलाओं का कहना है, प्रताड़ित महिलाएं हैं, दुखी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी उनकी मांगें पूरी होनी चाहिए। प्रतिनिधियों का भी कहना है कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। हमारे साथ में थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित सक्सेना जी, बासुदेव शर्मा जी, सविता ठाकुर जी, जो हर हाल में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर डटी हुई है, हड़ताल पर है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल पर डटी रहेंगी। 22 आप राइट के लिए, छिंदवाड़ा से मैं कृष्ण कुमार भट्ट, छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।